ये कुछ शिप्स नज़र आए मुझे और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था, इसीलिए मैं सोचा कि यार एक बार आता हूँ। और मैं अभी DSLR से जूम करके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि GoPro में तो यार ये आएगा ही नहीं। मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसकी फ़ोटो लेनी चाहिए, तो मैं अभी आके वही देख रहा हूँ बस। तो व्हाट्स अप फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए हो कि हम कहाँ जाने वाले हैं। यस, हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। मेरे होटल से बस वो एक वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो मैंने सोचा कि यार इस बार बाइक वगैरह होटल में ही छोड़ते हैं और पैदल निकल जाते हैं। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है वो, तो वैसे तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था बट बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स थोड़ा निकलने में लेट हो गया, बट लेट्स कंटिन्यू। सो बिफोर वी रीच म्यूज़ियम, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूँ उस म्यूज़ियम के बारे में। उस म्यूज़ियम का जो पूरा नाम है दैट इज़ TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। इस नाम में जो TU है दैट इज़ ट्यूपोलेव। ट्यूपोलेव इज़ द कंपनी जिसने इस एयरक्राफ्ट को बनाया था। इंडियन नेवी सर्विसेज में इस एयरक्राफ्ट को एल्बेट्रॉस कहा जाता था, जस्ट बिकॉज अगर आपको पता होगा कि एल्बेट्रॉस ऐसा बर्ड होता है जिसके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसके भी जो विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, इस कारण से इसे एल्बेट्रॉस कहते थे। तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि World War II के टाइम पे सोवियत यूनियन को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो US पे जाके बॉम्ब्स गिरा सके अगर ज़रूरत पड़े तो। तो बहुत सारे पैसे खर्चने के बाद फाइनली सोवियत यूनियन ने एक एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम था TU-95। फिर धीरे से उन्हें ऐसी ज़रूरत लगी कि उन्हें एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जिसका सर्विलेंस रेंज ज़्यादा हो, मतलब वो बहुत दूर तक नज़र रख सके। बेसिकली वो चाहते थे कि वो इसे एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की तरह यूज़ करें। तो यहाँ से धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए और उन्होंने बनाना शुरू किया और उन्होंने डिराइव किया TU-142 एयरक्राफ्ट्स को। सो एज अ रिजल्ट ये जो एयरक्राफ्ट है ये लॉन्ग टाइम एंटी सबमरीन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। तो बस वॉक करते करते हम जा रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। यहाँ से दिख रहा है मुझे, GoPro में तो आपको नहीं दिखेगा, सीधा वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये है टिकट का सिस्टम, एडल्ट्स का 70 है, चिल्ड्रन का 40 है और मैंने अपना टिकट ले लिया है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं आगे क्या है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका क्रूजिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम रेंज 735 किलोमीटर पर आवर। जस्ट इमेजिन, 100 की स्पीड हम लोग बाइक चलाते हैं तो हमारे हालत ख़राब होती रहती कई बार। 730 किलोमीटर पर आवर। एंड द यूनिफॉर्म्स यू विल सी कि यहाँ पे ना नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये एक भास्कर, पूजा यादव एंड रामना कुमार, योगेंद्र मायर। आई गेस दीज मे बी सम क्रू मेंबर्स जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट में काम किया होगा, उनके नाम भी यहाँ पे अलॉन्ग विद द यूनिफॉर्म। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो TU-142 एयरक्राफ्ट है ये TU-95 से डिराइव्ड है। पहले TU-95 बना था, वो बॉम्बर एयरक्राफ्ट था इनकेस अगर ज़रूरत पड़े तो बॉम्ब गिराने के लिए। जैसा मैंने पीछे पढ़ा उसके अकॉर्डिंग TU-95 ने आज तक का सबसे वर्ल्ड का बड़ा बॉम्ब ड्रॉप किया है। दैट वॉज अ न्यूक्लियर बॉम्ब दैट वॉज 50 मेगाटन। जस्ट इमेजिन 50 मेगाटन बॉम्ब जो ब्लास्ट से ऊपर धुएं से जो क्राउन बनता है ना धुएं के बाद, उस वो क्राउन कुछ 56 किलोमीटर्स का था। जस्ट इमेजिन द डिस्ट्रक्शन। So
आई गेस दिस इज द वे टू एयरक्राफ्ट। हो सकता है एयरक्राफ्ट अंदर से देखने का कुछ रहेगा। चलिए देखते हैं जाके अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितनी डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, जितनी आपने वीडियो में देखी हैं, वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए लाता रहूं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। अगली वीडियो में हम आपको ऐसे ही रिलेटेड कुछ और भी दिखाने वाले हैं, वो अगली वीडियो में आने वाला है। तो एक काम करते हैं, उसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।